अब मैंने एक किताब लिखी है, मैंने अपनी बात कह दी, अगर कोई समझता है कि इस बात की वो काट कर सकता है तो वो किताब लिख दी। और हिंदू धर्म को एक व्यापक धर्म माना है, उनको मुझमें कोई अच्छाई नहीं दिखती, कल तक दिखती थी आज नहीं दिखती। ये आग कांग्रेस के दिग्गज नेता सलमान खुर्शीद के घर में धधक रही है। ये आग उस गुस्से की आग के बाद धधकी है जो गुस्सा सलमान खुर्शीद की किताब से पनपा था। धर्म के नाम पर उठी सियासी चिंगारी ने सलमान खुर्शीद के घर को शोलों में तब्दील कर दिया है। जी हाँ, सलमान खुर्शीद के नैनीताल वाले घर में उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की और फिर घर को आग के हवाले कर दिया। घर में आगजनी की इन तस्वीरों को सलमान खुर्शीद ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और फिर सवाल किया कि क्या अब भी मैं गलत हूँ कि ऐसी हरकत हिंदू धर्म की नहीं हो सकती। और इसने तो साबित कर दिया है उस बात को जो मैंने कहा था। मैंने कहा था, फिर कह रहा हूँ, हिंदू धर्म ये नहीं है, नहीं है। और जो लोग धर्म का विरोध करते हैं, धर्म का दुरुपयोग करते हैं और वो कहते हैं नहीं आप गलत कह रहे हो, हम ऐसा नहीं करते हैं, उन्होंने आज दिखा दिया कि ऐसे ही करते हैं, आज दिखा दिया, तो मेरी बात तो साबित होगी ना। नैनीताल में खुर्शीद के घर पर हुए हमले के बाद हिंदू बनाम हिंदुत्व वाला विवाद फिर केंद्र में आ गया है। इस विवाद की शुरुआत भी सलमान खुर्शीद की ही किताब से हुई थी, जिसमें उन्होंने हिंदुत्व की तुलना ISIS और बोको हरम जैसे आतंकी संगठनों से की थी। और ऐसी तुलना के बाद खुर्शीद समेत पूरी कांग्रेस पार्टी बीजेपी के निशाने पर आ गई थी। ये सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी के इशारे पे ही बार बार होता है कि इससे पहले हिंदू आतंकवाद का आविष्कार कर दिया कांग्रेस हेडक्वार्टर में, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करनी थी। हंगामा बढ़ने के बाद खुर्शीद ने सफाई भी दी, किताब में हिंदू मुस्लिम एकता की दलील भी दी थी, लेकिन तब तक बात बहुत दूर निकल चुकी थी। धर्म की तो मैं तारीफ कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि वो धर्म को अटैक कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि मैं धर्म का सम्मान कर रहा हूँ, वो धर्म को अटैक कर रहे हैं। तो अगर किसी को आपत्ति होनी चाहिए तो उनसे होनी चाहिए, जैसे मुझे उनसे आपत्ति है, क्योंकि वो हिंदू धर्म को अटैक करते हैं। हिंदू धर्म को अटैक करने वाले हमारे देश में स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ये मैं कह रहा हूँ। खुर्शीद बीजेपी के निशाने पर आए तो राहुल गांधी भी उनके बचाव में उतर आए, तर्क वही दिया कि हिंदू और हिंदुत्व एक नहीं है। हम कहते हैं कि हिंदू धर्म में और हिंदुत्व में फर्क है, क्योंकि अगर फर्क नहीं होता तो नाम एक ही होता। हिंदुत्व को हिंदू हिंदु या हिंदू की जरूरत नहीं होती या हिंदुत्व की जरूरत नहीं होती, सिंपल सी लॉजिक है। अगर आप हिंदू हो तो हिंदुत्व की क्या जरूरत। धर्म की अपनी अपनी व्याख्या का विश्लेषण तो अलग बात है, लेकिन चुनाव से पहले इसे लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है। विवादों का दायरा सिर्फ धर्म तक सीमित नहीं, जाति को लेकर भी जंग छिड़ी हुई है और हर किसी की राय, समझ और ज्ञान पर सवाल उठाए जा रहे हैं। रविवार को मौर्य समाज के एक कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास को लेकर गलती की। चंद्रगुप्त मौर्य का सामना, यानी इतिहास कैसे विकृत किया जाता है, इतिहास ने अशोक को या फिर चंद्रगुप्त मौर्य को महान नहीं बहुत बताया, किसको बताया? चंद्रगुप्त मौर्य से जो हारा था वह सिकंदर को महान बता दिया। साफ है कि हर दल, हर नेता की कोशिश है कि धर्म जाति के समीकरण को साधकर अपनी जीत की संभावनाओं को मजबूत बनाया जाए, लेकिन अगर संभावनाओं की सियासत यूं आग बनकर भड़केगी तो ये किसी भी सूरत में सही नहीं कहा जाएगा। आज तक ब्यूरो।